शहर में असामाजिक तत्वों के द्वारा जमकर उत्पात मचाया गया है। सड़क किनारे खड़े खड़े 40 से अधिक कार सहित बड़े वाहनों के शीशे तोड़े गए। सूचना के अनुसार घटना बीती रात करीब 12 से 2 बजे के बीच है। शुक्रवार की सुबह लोगों को घटना की जानकारी मिली, इसके बाद काफी संख्या में लोग मेन रोड में एकजुट हुए। सूचना के अनुसार मेन रोड जसपुर रोड, SS हाई स्कूल गली, DSP रोड, रामनगर, लक्ष्मण आदि जगहों में सड़क किनारे खड़े 40 से अधिक वाहनों के शीशे तोड़ दिए गया है। सामाजिक कार्यकर्ता अमित पोदार ने तत्काल प्रशासन से पूरे मामले की जांच करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि शहर को अशांत करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा कई घरों में भी पत्थर फेंका गया है। एक मोहल्ले के प्राप्त CCTV मानसिक रूप से दीपक एक व्यक्ति द्वारा पत्थर फेंकने का दृश्य कैद हुआ है, लेकिन कुछ लोगों की माने तो इसके पीछे विचित्र का हाथ नहीं बल्कि सोची समझी साजिश हो सकती है। विचित्र पिछले कई दिनों से छोटे कंकड़ उठा उठा कर इधर उधर फेंकता है, जिससे ये नुकसान नहीं हो सकता। जानबूझकर वाहनों के शीशे तोड़कर माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है। प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे। कल मैं रात में लगभग 10 बजे वापस गुमला लौटा और गाड़ी अंदर नहीं करके बाहर ही लगा दिया कि सुबह अंदर करूंगा। सुबह उठ करके मैं देखता हूँ तो मेरी गाड़ी के 3 शीशे आगे पीछे और किनारे वाले पत्थर से मार मार कर तोड़ दिया गया था। इसी तरह से हमारे घर के सामने में एक गाड़ी तोड़ी गई है, उसके बगल में घर में पत्थर चलाया गया है। और अब सुन रहा हूँ कि गुमला में लगभग 40-50 गाड़ियों को और बोर्ड वगैरह को तोड़ा गया है। लगता है ये किसी साजिश के तहत या क्या है, इस पर कड़ी कार्रवाई हो और कौन कर रहा है इस तरह का कार्य, उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।